वह लोग तो कर रहे हैं। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حضور سيدي محدث كبير دامت برکاتم القصیہ کے ساتھ سوال و جواب کی اس نشست میں تمام سامعین کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، جو جہاں سے سن رہے ہیں بہت سماعت فرمائیں. پہلا سوال جناب الحاج ساجد مرچینت اگری پاڑا کی طرف سے ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اسے پوری نیند آ گئی تو بیٹھے بیٹھے سونے پر اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، اور بیٹھنے کی صورت یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو اس صورت میں اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ ناقض وضو خروج ریاح ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مظن خروج ریاح پایا گیا اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جب آدمی اس طرح بیٹھا ہو کہ جس میں نماز کی کوئی حیعت ہوتی ہو تو اس نیت سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح اگر ٹیک لگا کر بیٹھا سرین اس کے زمین پر جمے ہوئے ہیں کہ ریاح نکلنے کی کوئی صورت نہیں، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہ ٹوٹا. اگر کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی میں بیٹھنے کی جگہ پر اس واحیات غرض سے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہوتے ہیں وہ موجود ہوں اور وہ اس طرح سویا کہ اعصاب ڈھیلے ہو گئے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ ریاح کے خارج ہونے کی جگہ موجود ہے. لیکن ایسے اگر بیٹھا کہ اس کی سرین بالکل زمین پر یا جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے جمی ہے اور ریاح کے خروج کا کوئی احتمال نہیں، تب یہ تب وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ نماز کی کسی حالت میں وہ سویا ہوا ہے اور اس حالت سے وہ لڑک گیا تو اب ایسی صورت میں اس کو اس کا وضو جاتا رہا. کچھ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں،
जो फतावा रजिया से आपको हासिल होंगी, मगर जितना मैंने बताया उससे वो सबका खुलासा एक हुआ। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। उनका दूसरा सवाल है कि आजकल उमूमन लोग मोबाइल में कुरान पाक का ऐप डाउनलोड करते हैं और उसी में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो अगर कोई मोबाइल देखकर कुरान पाक की तिलावत करता हो तो उस तरफ पीठ करके बैठा जा सकता है या नहीं? मोबाइल में कुरान शरीफ का मुसहफ अगर लोड किया गया है तो जब तक वो ऑन ना हो, यानी कुरान मजीद का कि आयात उस पर ऑन ना हो इस तरह पर कि वो पढ़ी जा सकती है, उस वक्त तक उसकी तरफ पुष्ट करने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता जब आन हो तो उसकी तरफ मना, ये अदब के खिलाफ है कि आदमी उधर पुष्ट करे। इसलिए ऐसा कुरान हकीम पढ़ने के लिए मुनासिब यह है कि मोबाइल वाला किसी ऐसी जगह बैठे कि जहाँ पुष्ट करने का मौका ना हो, के खिलाफ अदब कोई हरकत सरदद हो सके। क्योंकि अमूमन ये होता है कि कोई शख्स मोबाइल खोले हुए है और आगे कोई दूसरी तरफ रुख करके बैठा है, तो उसको वो ये समझता है कि कोई मैसेज वगैरह पढ़ रहे। जब तक वो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ेगा तब तक कैसे किसी को मालूम होगा, क्योंकि मोबाइल तो हजारों काम की एक किताब है या एक इस तरह का काम है, उसमें अच्छे बुरे सब तरह की चीजें आ जाती हैं। वल्लाह ताला आलम बिस्सवाब। जज़ाकुमुल्लाह। कनीज फातिमा कोई खातून हैं, वह ये सवाल कर रही हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकने वाली हदीस की हकीकत क्या है, रहनुमाई फरमाएं। बाज़ उलमा उनमें एक आलिम का नाम उन्होंने लिखा कि मौलाना खादिम हुसैन ने फरमाया था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकने वाली हदीस झूठी है, लेकिन कुछ वक्त पहले एक साहब ने अपने चैनल पर हजरत सैयद शाह तराबुल हक अलैहि रहमा की आवाज़ में एक वीडियो पोस्ट की जिसमें हजरत ये फरमा रहे थे कि कचरा फेंकने वाली हदीस सूरह लहब से साबित है, हजरत इस पर रहनुमाई फरमाएं। यह हदीस अगर के इतनी मुस्तहकम जो तवातुर के दर्जे में हो या बहुत मजबूत सनद वाली हो, न सही मगर मकबूल है और सनद के एतबार से वो दुरुस्त है, उससे इस्तिशहाद दुरुस्त। मैंने तो कुछ बड़े उलमा अपने मशाइख में से उनसे भी ये बात सुनी, वो फरमाया उन्होंने। बाकी मौलाना खादिम हुसैन साहब ने इसको अगर ज़ईफ कहा है या गलत बिल्कुल ही सिरे से उन्होंने क्या फरमाया है कि वो साहिल ने तो झूठा का लफ्ज लिखा, ये हदीस झूठी है। साहिल ने जो लिखा है कि ये हदीस झूठी है, उन्होंने ये फरमाया नहीं, ये झूठी साबित करने के लिए उन्होंने कोई दलील नहीं दी।
वजह से ये बात अभी काबिले एतबार नहीं है। इतनी बात साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ देह चीजें जरूर फेंकी जाया करती थी और उसमें कचरा भी शामिल है, उसमें पत्थर और डेरे भी हैं, धूल और गुबार भी है, तरह तरह की ईजा होती थी। इसलिए वो सिरे से किस्ब का और झूठ का उस हदीस पर हुक्म लगाना ये बहुत ही महले नजर है। अल्लाह तबारक व तआला कर फरमाए। मैंने अपने मशायख में से कई एक थे इस बात को सुना, वो भी बयान करते थे। वैसे मैंने अभी यह हदीस यूं तफसीर के की किताबों में तो देखी, मगर हदीस की किताबों में अभी तक मुझे नजर नहीं आई। आपके पोते मौलाना रियाजुल मुस्तफ़ा आजमी इब्ने मौलाना मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा साहब, वो ये सवाल कर रहे हैं कि उमूमन लड़कियों को शादी के वक्त सोना दिया जाता है जो उनकी मिल्क कर दिया जाता है, उनके उन पर कब्जा दे दिया जाता है, मालिक बना दिया जाता है, मगर उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं होता जिससे उनको जकात देने में दिक्कत होती है, और बाज औकात शौहर भी ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि वो बतौर तबर्रुअ उनकी जकात अदा करे। अगर हर साल सोना बेचकर जकात अदा की जाए तो चंद सालों बाद सब खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में कहीं से रकम का इंतजाम करके हीला करा लिया जाए और उसमें से कुछ फकरा को दिया जाए, फिर अगले साल के लिए उसे महफूज करके उसी में मजीद बढ़ाकर जकात अदा कर दी जाए, तो यहाँ ये हीला करना कराहत से खाली होगा या नहीं? अगर इसका कोई और हल बता दिया जाए तो करम वाला करम होगा। इस हीले की जो सूरत बता रहे हैं वो बताइए, फिर से पढ़िए पूरा सवाल, फिर एक बार तो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ। कि उमूमन लड़कियों को शादी के वक्त सोना दिया जाता है जो उनकी मिल्क कर दिया जाता है, उनको मालिक बना दिया जाता है, मगर उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं होता जिससे उनको जकात देने में दिक्कत होती है, और बाज़ औकात शौहर भी ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि वो बतौर तबर्रु उनकी जकात अदा करे। अगर हर साल हीले की बात अब कर रहे हैं वो, अगर हर साल सोना बेचकर जकात अदा की जाए तो चंद सालों बाद सब खत्म हो जाएगा, ऐसी सूरत में कहीं से रकम का इंतजाम करके हीला कर लिया जाए और करा लिया जाए और उसमें से कुछ फकरा को दिया जाए, फिर अगले साल के लिए उसे महफूज करके उसी में मजीद बढ़ाकर जकात अदा कर दी जाए, तो यहाँ ये हीला करना कराहत से खाली होगा या नहीं? अगर इसका कोई और हल बता दिया जाए तो करम बालाए करम होगा। ये हीला कराने की सूरत मुझे समझ में नहीं आई कि किसी से रकम हासिल करके हीला कर लिया जाए, क्या मतलब कर दिया, यानी जकात की रकम हासिल करके या कैसी रकम? हाँ, ये तो उन्होंने इसमें वजाहत नहीं की है, लेकिन हीला तो उमूमन बहरहाल अगर ये मतलब है कि दूसरे की जकात लेकर उसको हीला करा के आप उस पैसे में से कुछ या कुल जो भी है अपनी जकात में निकालें, तो ये तो
उन चीजों में नहीं आया कि जो शरई हाजात में आए, और ये कहना कि उसमें से अगर सोने ही का कुछ हिस्सा ज़कात में जो होता है वो निकाला जाए तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी गलत है। इस वजह से कि 7.5 तोला सोना जब होता है तब ज़कात फ़र्ज होती है, उसमें अगर 2 रत्ती भी कम है, 2-4 कैरेट भी कम है, तो ज़कात फ़र्ज नहीं, तो ये ख़त्म हो जाता, ये तो बात गलत है। अलबत्ता इस सूरत में माँ बाप को ये चाहिए कि वो जेवर जिनकी वजह से उनको ज़कात होती है इतनी मकदार में दें जिससे ज़कात वाजिब नहीं होती। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पैवस्त कर दें जिससे उसकी मालियत बढ़ जाए, तब भी ज़कात वाजिब ना होगी। जैसे उसमें हीरा जड़ दिया गया, याकूत लगा दिया गया, तो ये कीमती चीज़ें हैं, मगर इन चीज़ों पर पत्थर वगैरह जो होते हैं इन पर ज़कात वाजिब नहीं होती, अगर के वो जब तक के वो तिजारत के लिए ना, नहीं समझे आप, तिजारत के लिए अगर बेचने के लिए अगर याकूत ज़मुर्रद ये हीरा ये वो इस तरह के ज्वेलर्स ये वो इस तरह के पत्थर रखे गए तो उस पर ज़कात है बेचने के लिए रखा, और यूं अपने पास रखा 5 लाख का हीरा आपने अपनी अंगूठी में जड़ दिया या औरतों ने अपने हार में लगा लिया तो उससे कुछ नहीं होता। तो माँ बाप के लिए इस सिलसिले में ये महल्ले नजर है कि वो इतना जेवर देते ही क्यों हैं जिसकी वजह से उस पर ज़कात वाजिब हो और वो गुनाहगार हो, अगर ये है तो उनकी ज़कात खुद अपनी तरफ से अदा करने का इंतजाम कर। हाँ, अगर वो खुद औरत मालदार है तो दे, कोई हर्ज नहीं कि उसका बैंक बैलेंस है उससे दे, बाकी एक खत्म हो जाएगा ये कहना सही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें दें, देना का रिवाज तो है, कुछ ऐसी चीजें दें जिनके ऊपर ज़कात नहीं है, आड़े वक्त में काम आ जाती है, तो ये भी दुरुस्त है कि जरूरत से ज्यादा सामान है उससे कुर्बानी तो वाजिब होती है, सदका फितर तो वाजिब हो जाता है, जरूरत से फाजिल जो माल है उससे उसकी मालियत अगर 200 दिरहम की हो गई तो कुर्बानी वाजिब हो गई, सदका फितर वाजिब हो गया, मगर ज़कात वाजिब नहीं, समझ गए। तो इस तरह पर वो माल दे दें। बाद लोगों के यहां मैंने देखा कि गैर जरूरी तांबे और पीतल के बहुत से बर्तन बाल्टियां ये वो इधर उधर अपनी अलमारियों में सजाए हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, एक साहब के घर जरा मेरी बेतकल्लुफी थी, मैंने उनसे पूछ डाला कि ये इतना ये सब सजा करके ये रखा अपने आखिर क्या फायदा, उन्होंने कहा कि नहीं हमने ये रख के इसलिए रखा है कि अगर कभी हमारे ऊपर आड़ा वक्त आ गया
तो इसको बेच करके हम अपना काम चलाएंगे, किसी से भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी, इसलिए हमने रखा। तो इन चीजों पर ज़कात उस वक्त होती है जबकि बेचने के लिए रखा जाए। जमीन खरीदी आपने कीमती से कीमती, मगर बेचने की नीयत से खरीदी तो उस पर ज़कात है, और यूं रखने के लिए, खेती करने के लिए या उस पर चमन और बाग बनाने के लिए या यूं ही पड़ी रहे खेलें कूदे लोग उसमें, उस पर कोई रखा नहीं। ये सिर्फ सोना और चांदी या तिजारत की चीजें हैं, उनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है जब कदरे निसाब हो। बस वल्लाह ताला अलम। फुरकान सकलानी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है? ये आपने दूसरा पेपर उठा लिया, दूसरा पेपर उठा लिया। चलिए बयान कर देता हूँ। शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक ट्रेडिंग जिसको पल पल में खरीदा बेचा जाता है, दूसरा लॉन्ग टर्म। एक बार इन्वेस्ट किया जाए तो सालों बाद उसका इंटरेस्ट मिलता है। इन दोनों सूरतों में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं? भाई शेयर मार्केट का मसला यह है, ये कोई खरीद फरोख्त चीज नहीं है, ये पार्टनरशिप है। शेयर का माना ही पार्टनर, और शिरकत में जो शराइत हैं वो शराइत शिरकत मुफावजा हो या शिरकत इनान हो, वो शराइत पाए नहीं जाते शेयर मार्केट में। इस बिना पर ये नाजायज है। इसका फैसला 20-25 साल पहले हो चुका है। अल्लामा अजहरी साहब, मुफ्ती शरीफुल्लाह साहब, मैं, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा, ये सब लोग और कुछ दूसरे उलमा को भी उसमें बुलाया गया, और उसमें कई मरतबा बहुत लंबी लंबी बातें, उसके बाद यही इसी पर सबका इत्तेफाक हो गया कि शेयर का मसला वो शर्ई नहीं है। अलबत्ता बाद में मौके साहब ने कुछ रास्ते निकाले। सुहेल शिरकत साहब ये सवाल करते हैं कि अगर कोई सैयद साहब तबलीगी हो जाए तो उनका एहतराम किया जाएगा या नहीं, उनके साथ सलाम दुआ करना कैसा है? सैयद हैं तो सियादत के एतबार से अब ये देखना पड़ेगा कि अगर हद कुफर तक उनकी तबलीगियत पहुंच रही है तब तो उनसे कोई इलाका नहीं रखना, इंतजार किया जाए कि वो तौबा कर लें तब। लेकिन अगर हद कुफर में नहीं है तो अब ऐसी सूरत में उनको समझाया भी जाए, सलाम भी किया जाए, मगर समझाया जाए। हाँ, ज्यादा उन्हीं का दूसरा सवाल है, क्या 40 दिन तक गोश्त खाने से हमारा दिल कमजोर हो जाता है?
ये सवाल डॉक्टर और हकीम लोगों से पूछना चाहिए। मसूद अख्तर साहब कोई हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि जैद एक ताजिर है जिसका करीब 4 लाख रुपये का माल 6 माह के उधार पर बिका हुआ है, लेकिन 5-6 बरस हुए खरीदने वाले ने रकम नहीं अदा की है और देने से इनकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन जैद अपनी बेटी की सख्त बीमारियों के इलाज में खुद लोगों का कर्जदार है और कर्जदार होता जा रहा है, और अब तो घर खर्च से भी परेशान रहता है, तो क्या जैद की ज़कात से इमदाद करना जायज होगा जबकि इसका बाजार से पैसा आया ना आया कुछ पता नहीं, पैसा आए या ना आए कुछ पता नहीं, कब आए। हमारी मालूमात में ये मसला भी है कि ज़कात उस मुसाफिर को भी देना जायज़ है जो सफ़र में तंगदस्त हो गया, जिसका माल उसके पास न रहा, हालांकि घर पर तो उसका माल मौजूद है। इसकी रोशनी में हुजूर से अर्ज है कि इस मामले में हमको हुक्मे शरा से आगाह फरमाएं कि क्या हम जैद की ज़कात से मदद करें तो जायज होगा या नहीं। ये कयास करना कि एक मुसाफिर जो अपने वतन में तो मालदार है मगर उसका माल सारा ख़त्म हो गया सफ़र में, तो उनके लिए तो क़ुरान अज़ीम में नस है, मगर उस पर कयास करने का हक हम लोगों को नहीं है। ये मुज्तहिदीन का मनसब है कि उस पर कयास किया जा सकता है कि नहीं। बाकी ये है कि अगर मायूसी है कि वो पैसा तकाजे के बावजूद जो मार्केट में और माल के खरीदारों के पास बाकी है वो सिर्फ बहानेबाजी करता है देता नहीं, तो अब ऐसी सूरत में उसको जब मायूसी हो जाए तो ज़कात उसको दी जा सकती है। अब इस मसले की थोड़ी सी तौजीह ये है कि अगर कर्ज किसी के ऊपर अपना बाकी है और मुकदमा करने का सबूत इसको मुहैया नहीं है, समझ में आई बात, गवाह नहीं है कि जिन गवाहों से वो साबित कर सके कि मेरा इसके ऊपर बकाया है, तब वो ज़कात ले सकता है। और जिसके पास गवाह मौजूद है और सबूत है कि मैं मुकदमा लड़के उससे वसूल कर सकता हूँ तो उसको ज़कात ना दी जाए। क्यों नहीं, वो उस पर अपना दावा करके उसको हासिल करता, ये उस मुसाफिर की तरह नहीं है, क्योंकि वो मुसाफिर सफर में किस पर दावा करेगा और किससे अपना हक मालूम करेगा, कौन कोई किसी पर तो उसका हक बाकी नहीं, तो उस पर कयास करने का ये मौका ही नहीं। मौका ये उसको है जिसके पास पैसा तो दिया फला साहब को या माल दिया कर्जा है उसके ऊपर,
और गवाह मेरे पास नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, तब तब ये हो सकता है उस गरीब की तरह पर जो कि सफर में है। इसकी तफसील जो हुई ये जी इस तरह पर। जज़ाकुमुल्लाह। सलाहुद्दीन हनफी कादरी रज़वी वो सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी फासिक की नमाज फासिक इमाम के पीछे वैसी ही होगी जैसे अकेले की होगी, बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमाएं। अलहज़रत ने साफ लिखा है कि नमाज फासिक की खुद भी पढ़े तो मकरूह तहरीमी है और फासिक के पीछे तो पढ़े तो भी मकरूह तहरीमी है, इसलिए वो तौबा करे फौरन। हाँ, तौबा कर ले फिस्क से, अब पढ़ा करे, अब उसके लिए दूसरे हीले बहाने निकालने की कोई जरूरत नहीं। कोई साहब है उमर मियां, वो सवाल कर रहे हैं कि रमजान शरीफ में आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना दिया जाता है, क्या रमजान मुबारक में कजा नमाजें अदा करने पर रब्बे करीम इसका बदला 10 से 700 कजा नमाजें अदा करने के बराबर अदा फरमाएगा? कजा नमाजें रमजान तक इस इंतजार में कि सवाब ज्यादा मिले, अगर वो मुअख्खर करता है तो सख्त तरीन गुनाहगार है, क्योंकि जो चीज अपने जिम्मे है उसे पता नहीं कि वो रमजान तक जिंदा भी रहेगा कि नहीं, इसलिए उसे जल्द से जल्द अदा कर देने ही में सलामती है, और जितनी ताखीर करेगा उतना गुनाह बढ़ेगा, और गुनाह से बचना दराजात हासिल करने से ज्यादा जरूरी होता है। समझ गए आप? अब बाकी ये रहा के रमजान मुबारक में जो फरमाया हदीस शरीफ में के फर्ज के बराबर नफल का सवाब और एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर उस है, ये जो फरमाया है ये रमजान के जो हैं वो समझ में आया, ये तो रमजान से पहले की बात है। हाँ, इसीलिए एक जगह अला हजरत ने फरमाया है जब के कुछ लोगों पर जकात फर्ज हो जाती है और वो ये इंतजार करते हैं कि रमजान आ जाए तो उस वक्त हम अदा करें, ये बहुत ये बड़ा गुनाह है, बल्कि उसको चाहिए कि हौलाने हौल से पहले यानी जब ज़कात का साल शुरू हो गया उसी वक्त से थोड़ी 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 ज़कात निकालता जाए, यहाँ तक कि जब पूरा साल खत्म हुआ तब तक पूरी आजादी हो जाए, ऐसे कर। तो इन सब चीजों पर गौर करने के बजाय आदमी ये सोचे तो ये इसकी मोहलत नहीं हो। कोई ताहिर रजा साहब हैं, उनका पूछना यह है कि जैद पर 2 उमरे और 2 दम बगैर एहराम हदूदे हरम में दाखिल होने की वजह से वाजिब हो गए, मीकात से जाकर एहराम बांध कर उमरा अदा किया तो एक वाजिब उमरा और दम साखित हो गया, अब दूसरे उमरा के लिए क्या उसको फिर मीकात से ही एहराम बांधना होगा या हिज से बांध ले? इसमें यह इश्काल आता है कि मुमकिन है दूसरा उमरा तो अदा हो जाए लेकिन मीकात से बगैर एहराम दाखिल होने का दूसरा दम कैसे साबित होगा?
मुझे फोन कर लेना। अगर ये दो वाक्य हैं इस तरीके पर तो दोनों सूरतों में वही करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आया वो मीकात से मक्का मुकर्रमा या जद्दा आ गया, जो मीकात थी मीकात के आगे वो बढ़ गया बगैर एहराम के, तो दम उस पर वाजिब हुआ और उम्रा भी। इसलिए वो अगर वापस अभी चला जाता है और वापस जाकर एहराम वहां बांधता है तब तो उसका दम भी साकित हो गया और एहराम सही हो गया और आकर वो उम्रा कर ले, वो उम्रा भी उसका उतर गया। अब ये के दो मर्तबा हुआ तो ये तो उस वक्त है जबकि वापस जाने की बात हो, यानी आ रहा है जद्दा पहुंचा और ख्याल हुआ कि मैं तो बगैर एहराम के आ गया, अब वो पलटा, तब उसके लिए ये है। ये नहीं कि वो हर बार ऐसे करता रहे तो वापस कहां हुआ, उस एहराम के लिए वापस कहां हुआ, वो तो खत्म कर दिया उसने, न एहराम किया न उमरा किया बल्कि यूं ही वापस हो गया था। तो ये उसके ऊपर दम तो रहेगा, बस दम रहेगा। एक सवाल ये है कि आम तौर पर लोग रमजान मुबारक में ज़कात देते हैं ताकि 70 गुना ज्यादा सवाब हासिल करें, मगर निसाब का साल अगर चंद माह कबल पूरा हो तो क्या ताखीर का गुनाह होगा उस पर? ऐसी सूरत में लोगों को क्या हुक्म दिया जाए? हलाने हौल पूरे होने के बाद ज़कात, हलाने हौल के बाद ज़कात तो दे ही देनी है और ताखीर करने की वजह से आदमी पर वबाले उखरवी है और इसमें खतरा भी है कि अगर वो मर्द मौत में मुब्तला हो गया तो अब अदा भी करेगा तो मर्द मौत जो है वो अदायगी से माने हो जाता है। वो अब मर्द मौत में वो विरासत के माल के दर्जे में आ जाता है, इस वजह से ये किसी को मौत का वक्त मालूम नहीं। गुना है, आला हजरत ने अभी मैंने बताया कि इस चीज से मना किया है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरह इरशाद फरमाते हैं। रैहाना सदफ कोई खातून है, उन्होंने अपना सवाल ही भेजा है कि हजरत क्या सर पर से दुपट्टा उतार कर औरत बाथरूम में वजू कर सकती है, क्योंकि ऐसे दुपट्टा भीग जाता है तो उतार कर वजू की तो होगा या नहीं? बाज औरतें बोलती हैं वजू जायज ही नहीं ऐसे दुपट्टा उतार करके बाथरूम में वजू करने से, इसलिए हजरत तहमाई फरमाए। भाई ये पता नहीं कौन सी मुफ्तिया ने उनको इस तरह से पुटवा दिया कि वजू होगा ही नहीं। औरतों को अपना सर खोलना तन्हाई में जायज है और वो
वजू करे तो वजू बिला शुबहा उसका हो जाएगा। जो औरत ये कहती है कि कपड़ा भीगे या ना भीगे ये वजू होगा ही नहीं, ये उसने गलत कहा, इस तरह की गलत फतवों को देने से वो परहेज करे। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल हजरत की बारगाह में, रैयान वहरा करके कोई साहब हैं, वो साइल हैं, रैयान वो सवाल ये कर रहे हैं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो बागी कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा, उसको तौबा करना होगा। बागी कहना ये बहुत बड़ा जुर्म है। बागी जो है इस्तिलाह शरा में और है, उर्फ में और है, तो जिन उलमा ने जो लिखा वो शरई इस्तिलाह के एतबार से, और इस वक्त ये है कि बागी का माना सरकश और ये फासिक फाजिर ये लिया जाता है, तो इस ये लफ्ज नहीं बोला जा सकता। कुरान मजीद में जो लफ्ज आया कि وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یہاں بغت جو ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَجِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو یہ بات اس جنگ تک تھی، لیکن جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت تفویض کی تو یہ سارے حکم، یہ سارے احکام جو تھے پہلے وہ سب اتر گئے، اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا، اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا فرما دیں۔ اللہ مصلی علی سیدنا و مولانا محمد الحمد و کرم، والی و صحبی و بارک و سلم، یا اللہ جرحمان یا رحیم، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو توفیق خیر عطا فرما اور احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ شرع سے مخالفت کرنے یا اس سے اس کو نظر انداز کرنے سے ہم سب کو بچا۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا محمد وعلی وصحبه اجمعین برحمتک یا करके सेव कर सेव होती है रुक तो कैसे है भाई Thank you.